एक दिन में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करना इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों मील्स को समय से खाने के साथ ही इन तीनों के बीच में गैप रखना भी जरूरी है। हम अक्सर इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ऐसा करना शरीर के लिए अच्छा होता है और मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में मदद मिल सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि खाना खाने का सही टाइम क्या होता है और मील्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए। एक्सपर्ट्स के अनुसार किसी को उठने के 2 घंटे के अंदर अपना नाश्ता करना चाहिए। ऐसा नहीं करने से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। उठने के बाद जितना जल्दी आप अपना नाश्ता खाते हैं, ये आपके मेटाबॉलिज्म के लिए उतना ही बेहतर है। हमारी पाचन शक्ति दोपहर 12 से 2 बजे के बीच सबसे मजबूत होती है। इस समय शरीर अत्यधिक पौष्टिक भोजन को पचाने और सभी पोषक तत्वों को ठीक से एब्जॉर्ब करने में सक्षम होता है। दोपहर और रात के खाने के समय के बीच 4 घंटे के अंतर को बनाए रखते हुए रात का खाना 8 बजे तक खा लेना चाहिए। आपके सोने और खाने के बीच में भी 2 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। ये गैप बेहतर पाचन और रात की अच्छी नींद में मदद करता है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि एक भोजन को ठीक से पचाने में आपके शरीर को 3 से 4 घंटे लगते हैं। इस तरह से 2 भोजन के बीच का अंतर 4 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा समय के गैप से एसिडिटी हो सकती है। खाने के बीच में आपको स्नैक्स और फल खाने चाहिए। आपके नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने के बीच कम से कम 2 स्नैक्स जरूर होने चाहिए।